रणवीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? बंगला गाड़ी किसके पास है, करोड़ों की प्रॉपर्टी? रणवीर कपूर और आलिया भट्ट इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक है। दोनों की एक्टिंग और फिल्म फैंस काफी पसंद करते हैं। कपल फिल्मों से तगड़ी कमाई करते हैं और रियल लाइफ में लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। आइए जानते हैं दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर और किसके है कितनी नेटवर्थ। कितनी है रणवीर कपूर की नेटवर्थ? एक रिपोर्ट के अनुसार रणवीर कपूर 345 करोड़ के मालिक है। रणवीर एक फिल्म का 50 करोड़ तक चार्ज, इसी के साथ वो फिल्म प्रॉफिट में से भी परसेंटेज लेते हैं। इसी वजह से रणवीर की साल की कमाई 30 करोड़ रुपए है। लग्जरी गाड़ियों का है रणवीर को शौक। रणवीर लग्जरी कार, डिजाइनर, फैशन स्टेटमेंट पर काफी खर्च करते हैं। उनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, रियल रेंज रोवर, लेक्सस, बीएमडब्ल्यू X6, ऑडी RS7 और लैंड क्रूजर जैसी कार। उनका ब्रांडा में 4 BHK फ्लैट भी है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनका पुणे में भी 13 करोड़ का अपार्टमेंट है। उनकी नेटवर्थ हर साल 40% बढ़ रही है। आलिया भट्ट कमाती है कितना? वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ तकरीबन 299 करोड़ है। वो हर फिल्म का 20 करोड़ तक चार्ज करती है। वहीं ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से वो 1-2 करोड़ कमाती है। वो फिल्म प्रोडक्शन टर्नल सनशाइन प्रोडक्शन भी चलाती है। वो फैशन ब्रांड भी चलाती है। उनको नायका, स्टाइल क्रैकर और सुपर बॉय में भी इन्वेस्ट किया है। खबर के मुताबिक आलिया का मुंबई में 32 करोड़ का अपार्टमेंट है, साथ ही लंदन में 25 करोड़ का घर है। उनकी लग्जरी कार में BMW 7 और लैंड रोवर ऑडी A6 शामिल है। बता दें कि रणवीर और आलिया की शादी 14 अप्रैल 2022 को हुई थी। दोनों ने अपने घर में ही शादी की थी। कपल की एक बेटी है, बेटी का नाम उन्होंने राहा रखा है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी। तो इसी तरीके के और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को